एम जी ग्लॉस्टर या फिर द सेल्फलेस एस यू वी। तो सेल्फलेस का मतलब होता है केयरिंग मोर अबाउट अदर्स एज कम्पेयर टू आर्सल, मतलब दूसरों का ज़्यादा ख्याल रखना खुद से भी। और ये गाड़ी भी कुछ ऐसी है जिसमें आपको ऑटोनोमस ड्राइविंग मिलती है, जिससे अपने आप चलती है ये गाड़ी। और इस गाड़ी में आपको 40-45 लाख के दाम में आपको 1 करोड़ की गाड़ी वाले फीचर्स मिलते हैं। और बाकी देखते हैं इंडिया में लॉन्च के बाद टोयोटा फॉर्च्यूनर का और बाकी फोर्ड एंडेवर का काम कैसे खराब करती है ये गाड़ी, या फिर क्या कर पाती है ये गाड़ी। तो दोस्तों वेलकम बैक टू कारवर्सल, और आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं एमजी ग्लॉस्टर के बारे में, क्या क्या चीज़ें इस गाड़ी में आपको बढ़िया मिलती है और बाकी बेकार मिलती है। तो जो पहली बात है जो कि इस गाड़ी में आपको मिलती है, जो कि इस गाड़ी को अपने सेगमेंट का क्या इंडिया में अपने प्राइस का बेस्ट गाड़ी बनाता है, वो है इस गाड़ी की टेक्नोलॉजी। और इस गाड़ी में आपको ऐसे ऐसे फीचर्स मिलते हैं जो कि आपने शायद ही सुना हो। इस गाड़ी में आपको ADAS टेक्नोलॉजी मिलती है, जिसका मतलब होता है एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम, जिसमें इस गाड़ी में आपको बहुत सारे सेंसर मिलते हैं इस गाड़ी के पूरे सराउंड में, जिससे गाड़ी अपने आप चलती है, अपने आप रुकती है, अपने आप पार्क होती है, जो कि बहुत ही बढ़िया बात है। इसमें आपको ऑटोनोमस ब्रेकिंग मिलती है, जिसमें इस गाड़ी में आपको सामने काफ़ी बड़े बड़े सेंसर मिलते हैं जो कि आपकी गाड़ी के सामने वाली रोड को सेंस करते रहते हैं। और फॉर एग्जांपल अगर आपकी गाड़ी के सामने एकदम से कुत्ता आ जाता है, और बाकी अगर आपको अपनी गाड़ी भी बचानी है कुत्ता भी बचाना है, तो अपने आप आपकी गाड़ी ब्रेक मार लेगी और बाकी आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। सेकंड, इस गाड़ी में आपको अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल मिलता है या फिर आपको ACC मिलता है, जिसमें इस गाड़ी के जो सामने वाला सेंसर है वो आपकी गाड़ी के सामने वाली गाड़ी को सेंस करता रहता है कि वो कौन सी स्पीड पर चल रही है, और बाकी अगर वो बंदा पागल और एकदम से ब्रेक मारता है तो आपकी गाड़ी भी एकदम से ब्रेक मार लेगी और बाकी कोई ठोकर नहीं होने वाली। इसमें आपको ऑटो पार्किंग मिलती है, जिससे गाड़ी अपना पार्क करती है अगर आप एक बटन दबाएंगे, और बाकी अगर आपको पार्किंग नहीं आती छोटी जगहों में तो आपके लिए बहुत ही रहने वाली है। और ये जो सारा ज्ञान है मुझे अवीरा आंटी ने दिया है, जो कि MG की एक एनिमेशन वाली औरत सी है जो कि सारा ज्ञान देती है। इसमें आपको सामने वाली लाइट्स आपको ऑटो लेवलिंग वाली मिलती है, जिसमें आपको काफी बढ़िया बढ़िया मोटर मिलती है, जिससे इस गाड़ी की जो हाई बीम वाली लाइट है अपना ऊपर नीचे होते रहती है, जिससे आपको बढ़िया एकदम सामने का व्यू मिलता है और आपकी जिंदगी का, आपकी गाड़ी के सामने का, आपकी रोड का सारा कोहरा मिटा देगी। तो इस गाड़ी में आपको बहुत ही बढ़िया ड्राइविंग टेक्नोलॉजी मिलती है, जो कि इस गाड़ी में तो क्या आपको इंडिया में 80-90 लाख की गाड़ी में भी नहीं मिलती। तो अगर आपको बहुत ही बढ़िया चलने वाली गाड़ी चाहिए तो मैं मानता हूँ कि MG ग्लॉस्टर काफ़ी बढ़िया है। इसके बाद इस गाड़ी का जो सेकंड बेस्ट पार्ट है जो कि आपको मिलता है, वो है इस गाड़ी का इंटीरियर, जो कि आपको बहुत ही शानदार मिलता है, जिसमें आपको बहुत ही बढ़िया स्पेस मिलती है और एकदम ऐसे 5 BHK के घर जैसा इंटीरियर लगता है। इस गाड़ी में आपको 6 या फिर आपको 7 सीटर वाले फॉर्मेट मिलते हैं, लेकिन जो एडवर्टीजमेंट वगैरह में शो करा है वो है 6 सीटर वाला फॉर्मेट, जिसमें इस गाड़ी में आपको तीनों रो ऑफ सीट में आपको 2-2 सीटें मिलती है, और आपको सेंटर वाली रो में आपको 2 कैप्टन सीट्स मिलती है, जिसमें आपको कैप्टन वाली फीलिंग आने वाली है बैठने में। इस गाड़ी में आपको बहुत ही बढ़िया क्वालिटी मिलती है इसके लेदर की, और बाकी इसके सारे प्लास्टिक की जो कि काफ़ी महंगी लगती है, और बाकी ऐसे 50-60-70 लाख की गाड़ी वाली लगती है। इसमें आपको 64 कलर की आपको एम्बिएंट मूड लाइटिंग मिलती है, जो कि सबसे हाईएस्ट है और बाकी आपको मर्सिडीज में भी नहीं मिलती इतनी, तो अगर आपको अपनी गाड़ी में मूड बनाना बना सकते हैं। इसमें आपको 12 स्पीकर्स का और बाकी आपको ट्विटर्स के कॉम्बिनेशन का एक काफ़ी बढ़िया ऑडियो सिस्टम मिलता है, जिसमें आपको बहुत ही मजा आने वाले है इस गाड़ी में गाने सुनने में। और बाकी इस गाड़ी में आपको बहुत ही बड़ा आपको 12.5 इंच का टच स्क्रीन डिस्प्ले मिलता है इस गाड़ी के डैशबोर्ड में, जिसमें आपको बहुत ही बढ़िया क्वालिटी मिलती है। और अगर मैं अपनी गाड़ियों की नॉलेज लगाऊँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा बड़ी है, विकिपीडिया से भी बड़ी है, तो 80 लाख से कम की गाड़ी में सबसे बड़ा टच स्क्रीन डिस्प्ले जो कि आपको मिलता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बात है। इस गाड़ी में आपको फ्रंट रो की 2 सीट्स में आपको हीटिंग और बाकी आपको वेंटिलेशन का फंक्शन मिलता है, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है, जिसमें आपको हवा का भाव मिलने वाला है आपकी पीठ पे। और इस गाड़ी में आपको ड्राइवर वाली सीट में आपको मसाजिंग का फंक्शन मिलता है, तो अगर आपको अपनी गाड़ी में या फिर अपनी पीठ पे मसाज चाहिए तो आप करवा सकते हैं, जिसमें आपको मुक्के पड़ने वाले गर्म गर्म हवा के, जिससे आपको बहुत ही रिलैक्सेशन होने वाली है। इसमें आपको जो ऊपर वाली पैनोरामिक सनरूफ है उसका भी आपको काफ़ी बड़ा साइज़ मिलता है, जिससे अगर आप खोलेंगे तो आपकी गाड़ी के अंदर एकदम उजाला सा हो जाएगा, सूरज की ऐसी किरणें आएगी। और बाकी इस गाड़ी में आपको थर्ड रो सीट में बहुत ही बड़े स्पेस मिलती है, जो कि मैं मानता हूँ कि इसके सेगमेंट की बेस्ट है। तो अगर आपको इस गाड़ी में बड़े बड़े बंदों को बैठाने पीछे आप बैठा सकते हैं, और बाकी अगर आपको उन्हें फोल्ड करना है अनफोल्ड करना है तो आप एक बटन दबा के कर सकते हैं, जो कि काफ़ी सहूलियत की बात है। और लास्ट में इस गाड़ी में आपको इंटीरियर में आपको PM2.5 वाला फिल्टर मिलता है, जिससे इस गाड़ी के जो अंदर की सारी डस्ट वस्ट है एकदम साफ होकर आपकी नाड़ियों तक आएगी। और बाकी इस गाड़ी में आपको हेलो MG वाले कमांड्स मिलते हैं, जिसे आप कह सकते हैं MG नाच के दिखा या फिर MG ढुमका लगा तो आपकी गाड़ी नाचने लग जाएगी, मतलब ऐसा नहीं होने वाला, लेकिन इस गाड़ी में आपको ऐसे कमांड मिलते हैं जिससे आप अपनी पैनोरामिक सनरूफ को या फिर अपनी सीट को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके बाद इस गाड़ी की जो थर्ड बेस्ट पार्ट है जो कि इस गाड़ी में आपको मिलता है, वो है इस गाड़ी की ताकत, जो कि आपको बहुत ही बढ़िया मिलती है। और इसमें आपको सेम इंजन में आपको 2 डिफरेंट फॉर्मेट्स मिलते हैं, और भले MG कह रहे हैं कि इस गाड़ी में आपको बेस्ट पार मिलती है इसके सेगमेंट की, लेकिन उसमें आपको एक क्लॉज मिलता है और वही है कि इस गाड़ी में आपको भले ही 218 हॉर्स पावर मिलती है, लेकिन इस गाड़ी में आपको 2.5 टन का वजन मिलता है, और उसे अगर आप एंडेवर या फिर फॉर्च्यूनर से कंपेयर करें तो उनमें आपको 2.1 या फिर आपको 2.2 टन का वजन मिलता है। तो इस गाड़ी में आपको जो पार टू वेट रेशियो है ऑलमोस्ट सेम ही मिलते हैं उसके बराबर, तो इस गाड़ी में आपको ऐसे चौड़े होने की जरूरत नहीं, इसमें आपको सेम परफॉर्मेंस मिलने वाली है। इसमें आपको बेस फ्रंट में मिलता है 2.0 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन, जिसमें आपको 163 हॉर्स पावर मिलती है, जो कि सही है। और बाकी जो महंगा वाला वेरिएंट है जो कि आप लेंगे या फिर मैं लूंगा, वो है इस गाड़ी का 2.0 लीटर का ट्विन टर्बो चार्ज वाला इंजन, जिसमें आपको 218 हॉर्स पावर मिलती है और आपको 480 Nm का टॉर्क मिलता है, जो कि इस गाड़ी को बहुत ही बढ़िया गाड़ी बनाता है। और बाकी इस गाड़ी में आपको 8 स्पीड की आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलती है, जिसमें जो गियर शिफ्ट होते हैं वो इलेक्ट्रॉनिकली होते हैं, तो काफ़ी बढ़िया गाड़ी है। फिर अगर आप आते हैं इस गाड़ी के फोर्थ बेस्ट पार्ट में, जो कि इस गाड़ी की लुक्स है, जो कि आपको सही मिलती है, थोड़ी आपको बेकार मिलती है, थोड़ी आपको सही मिलती है।
इस गाड़ी में आपको 5 मीटर की लेंथ मिलती है, जिससे गाड़ी अपने सेगमेंट की क्या है इंडिया में 60-70 लाख के दाम में भी बहुत ही बड़ी गाड़ी बनती है। तो अगर आपकी थोड़ी छोटी कॉलोनी है तो अगर आप इस गाड़ी को लेते तो आपके आसपास के लोग बहुत ही बड़ी बड़ी आपको आंखें दिखा के देखने वाले अगर आप इस गाड़ी को लेंगे। इसमें आपको सामने बहुत ही बड़ी ग्रिल मिलती है, जिसमें आपको बीच में बड़ा सा MG का लोगो मिलता है, जो कि काफ़ी सही लगता है। जो सामने की इस गाड़ी की लाइट है काफ़ी पतली सी है। साइड से इस गाड़ी में आपको बहुत ही बड़ी सी लुक्स मिलती है, जो कि एकदम कमरे जैसी लगती है, एकदम बड़े सी। और बाकी साइड में इस गाड़ी में आपको 19 इंच के अलॉय व्हील्स मिलते हैं, जो कि काफ़ी सही लगती है। और पीछे मैं मानता हूँ कि इस गाड़ी में मेन रहता फैला है, जिसमें इस गाड़ी में आपको बहुत ही ऐसी बड़ी बड़ी आपको लेटरिंग मिलती है ग्लॉस्टर की, जो कि मैं मानता हूँ कि किसी काम की नहीं है। और पीछे इस गाड़ी में आपको 4 एग्जॉस्ट टिप मिलते हैं, जो कि मुझे एकदम शो ऑफ से लगती है, क्योंकि असलियत में इस गाड़ी में आपको इसके अंदर आपको 2 पाइप ही मिलती है एग्जॉस्ट की, लेकिन वो बाहर आते थे 4 हो जाती है, जो कि थोड़ी बहुत मल्टीप्लिकेशन वगैरह हो गई, स्क्वेयरिंग हो गई। और पीछे इस गाड़ी में आपको थोड़ी बहुत बेकार लुक्स मिलती है, जो कि मैं मानता हूँ, क्योंकि मुझे अभी भी इसके सेगमेंट की जो बेस्ट लुकिंग गाड़ी है वो टोयोटा फॉर्च्यूनर लगती है। और लास्ट में जो इस गाड़ी में आपको काफ़ी बढ़िया फीचर मिलता है, वो इस गाड़ी की ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज, जो कि आपको काफ़ी सही मिलती है, जो कि ऑब्वियसली उसमें भी आपको थोड़ी बहुत कमियाँ मिलती है, जो कि मैं आपको बताता हूँ। तो इस गाड़ी में आपको इंटेलिजेंट 4x4 सिस्टम मिलता है, जिसमें इस गाड़ी में आपको 4 पहियों में आपको सेंसर मिलते हैं, जो कि सेंस करते रहते हैं कि कौन से पहिए में ज़्यादा ट्रैक्शन है, और फिर उसी वाले पहिए में ज़्यादा ताकत भेजते हैं, ताकि ये गाड़ी कहीं से भी निकल पाए। और इस गाड़ी में आपको 7 ड्राइविंग मोड्स मिलते हैं, जो कि स्नो वाला, सैंड वाला, इको वाला, मड वाला, ऑटो वाला। तो ऑटो वाले का मतलब है कि इस गाड़ी में अपना मोड सिलेक्ट होगा, और बाकी रॉक वाला और बाकी स्पोर्ट वाला, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। लेकिन एक इसमें आपको कमी मिलती है, और वो ये है कि इस गाड़ी में आपको जो टायर मिलते हैं आपको रोड ड्रिवन टायर्स मिलते हैं, आपको ऑफ रोडिंग वाले नहीं मिलते, तो इसलिए आपको थोड़ी मुश्किल होने वाली है इस गाड़ी में ऑफ रोडिंग करने के लिए। सेकंड बात ये कि इस गाड़ी में आपको डिफरेंशियल लॉक तो मिलता है, लेकिन इस गाड़ी में आपको मैकेनिकल डिफरेंशियल लॉक नहीं मिलता, आपको इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंशियल लॉक मिलता है, जिससे इस गाड़ी में आप ऑफ रोडिंग तो कर सकते हैं, लेकिन उतने लेवल की नहीं कर सकते जितने आप मैकेनिकली कर सकते हैं, मतलब फॉर्च्यूनर वगैरह में। और थर्ड, इस गाड़ी में आपको जो वाटर वेडिंग कैपेसिटी आपको इतनी बढ़िया नहीं मिलती जितनी आपको टोयोटा फॉर्च्यूनर या फिर आपको फोर्ड एंडेवर में मिलती है। तो ये 2-3 आपको कमियां मिलती है इस गाड़ी में, लेकिन आपको सारे बाकी बढ़िया फीचर्स मिलते हैं। और बाकी अगर आप आते हैं इस गाड़ी के दाम में, इस गाड़ी के नाम में, तो इस गाड़ी का जो दाम है वो तो अभी ऑफिशियली नहीं लॉन्च हुआ है, तो इस गाड़ी का दाम मैं कहता हूँ कि अराउंड 40 लाख के आसपास का होना चाहिए एक शोरूम, मतलब 38 से लेकर 42 लाख रुपीज़ एक शोरूम इंडिया के बीच में होना चाहिए। और बाकी जो लॉन्च इसका धनतेरस के आसपास हो जाएगा, जो कि मैं कहता हूँ कि होना चाहिए, क्योंकि तब लोग ले पाएंगे। और बाकी लास्ट में अगर हम आते हैं इस गाड़ी की रेटिंग में या फिर इस गाड़ी के स्कोर पे, तो इस गाड़ी ने स्कोर करा है 4.4 स्टार्स, या फिर इस गाड़ी ने 88% मार्क्स को करे हैं, जो कि मैं मानता हूँ कि सही है थोड़ी बहुत। तो बाकी के जो 12% कटे हैं वो इसलिए क्योंकि जो दाम है अगर 2-3 लाख रुपये कम होता तो काफ़ी बढ़िया होता है, मतलब वो तो हर एक कंज्यूमर कहेगा ही। और सेकेंड, अगर इस गाड़ी के पीछे थोड़ी लुक सही होती तो मैं मानता कि काफ़ी बढ़िया गाड़ी होती है। और बाकी जैसे कि हर एक बंदे के दुश्मन होते हैं, आपके होंगे, मेरे होंगे, किसी और बंदे के होंगे, थोड़े बहुत तो होंगे ही, तो इस गाड़ी के भी थोड़े बहुत इंडिया में दुश्मन है, तो वह है टोयोटा की फॉर्च्यूनर, फोर्ड की एंडेवर, महिंद्रा की एल्टुरस वगैरह, जो कि आपको इसके आसपास के दाम में मिलती है। लेकिन जो इस गाड़ी के आव भाव है, मतलब इस गाड़ी के फीचर है, उसके हिसाब से इस गाड़ी का कॉम्पिटिशन होना चाहिए BMW की X5 से या फिर ऑडी की Q7 से, जो कि आपको 1 करोड़ के आसपास के दाम की मिलती है, जो कि थोड़ी महंगी है। तो ये था इस गाड़ी के बारे में। और बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो जो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट वाले बटन आप दबा दीजिएगा, क्योंकि अगर आप दबाएंगे तो मेरी चौड़ काफ़ी बढ़ती है, और मेरी चौड़ बढ़ने से पूरी कार कम्युनिटी की चौड़ बढ़ेगी। और बहुत ही शुक्रिया आपको ये वाली वीडियो देखने के लिए।